अगली खबर की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और योगेंद्र यादव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर जमानती वारंट रद्द किया है। 29 अप्रैल को मामले में अगली सुनवाई होगी। आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर तीनों के लिए एक वारंट जारी हुआ था। अब वो वारंट रद्द कर दिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से वो वारंट रद्द कर दिया गया है। और आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव पर भी इस केस में आरोप थे। 29 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। आदेश के बावजूद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। सुचित्रा मुखर्जी हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। सुचित्रा, ये वारंट अब रद्द कर दिया गया है, यानी कि जो तलवार लटक रही थी तीनों पर, अब वो हट गई है, मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो गैर जमानती वारंट था उसे रद्द कर दिया गया है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये जो एनबीडब्ल्यू है, जो कल इशू किया गया, तो कल जो वकील है सीएम की तरफ से, उप मुख्यमंत्री की तरफ से, योगेंद्र यादव की तरफ से ये पेश नहीं हुए और ना ही और तीनों, मतलब ये भी कोर्ट में नहीं पेश हुए थे, तो कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था। हालांकि तुरंत ही सीएम के जो लॉयर हैं वो उन्होंने उसके बाद एप्लीकेशन मूव किया और आज जो है जो वारंट है उसे रद्द कर दिया गया। तो ये आप कह सकते हैं कि जो तलवार जो लटक रही थी वो जो है उसके लिए राहत है। और एक बड़ी बात यहाँ पर ये भी समझने वाली है कि जो सीएम के लॉयर हैं उनका ये लगातार यही कहना था कि इन्हें पर्सनल रूप से पेश नहीं होना था, यानी कि सीएम केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को, बल्कि कि योगेंद्र यादव को यहाँ पर पेश होने की बात हुई थी। तो यहाँ पर कुछ मिस कंफ्यूजन हुआ था, क्योंकि जो भी है अब एप्लीकेशन मूव किया गया था कल तुरंत तत्काल प्रभाव से और उसके बाद आज जो है एनबीडब्ल्यू को रद्द कर दिया गया है। सपना, यादव के वकील का कहना था कि वो अभी इस वक्त टाउन में नहीं है जिसकी वजह से वो पेश नहीं हो पाए, तो उन्हें भी राहत दी जाए। लेकिन इस तरीके से अभी फिलहाल उनको राहत जरूर मिल गई है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया था कि वो इसलिए पेश नहीं हो पाए, दलीलें तमाम दी गई थी उनकी तरफ से। सुचित्रा, योगेंद्र यादव की बात करें तो उनके वकील की तरफ से भी ये सफाई दी गई थी कि फिलहाल वो यहाँ पर मौजूद नहीं है इसलिए वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब उनको भी राहत मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल हाँ, देखिए अभी एनबीडब्ल्यू जो इशू हुआ था गैर जमानती वारंट उसे रद्द कर दिया गया है निश्चित तौर पर। अब इस मामले में जैसे कि चलता है इन सब केसों में कि ट्रायल होता है, सुनवाई होती है, गवाहों के जो बयान है वो दर्ज होते हैं, तो अब 27 अप्रैल को जैसे जो गवाह है यानी कि जो कंप्लेनेंट है उनके बयान है वो दर्ज होंगे, उसके बाद ये ट्रायल चलेगा, तमाम सारी चीजें देखी जाएंगी, बिंदुओं पर गौर किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट एक डिसीजन पर आएगी। सपना, शुक्रिया सुचित्रा तमाम जानकारी के लिए। तो 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी।